हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, आपको नेक्स्ट डे वीडियो ज़रूर मिलने वाली थी। अभी मैं जस्ट अपने बच्चों को सुला के आई और सुलाते सुलाते मुझे खुद भी थोड़ी सी नींद आ गई, बट मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसकी वजह से मैं आज कंपेल हो गई कि आज ये वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादा जो न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर दिन ये सोचते हैं कि वो किस तरह से नए नए कंटेंट लेके आए, अपने चैनल को कैसे ग्रो करें। क्योंकि देखिए, बहुत मेहनत लगती है 1000 सब्सक्राइबर भी पहुंचने के लिए, 2000 पहुंचने के लिए, आप सभी लोग समझते होंगे। क्योंकि अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि लोग आपको तुरंत से पसंद करें, आपको धीरे 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 ग्रो होना पड़ता है। आपके कंटेंट को लेके, आपके बिहेवियर को देख के लोग आपको जितना ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे वैसे आप ग्रो करते हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, यूट्यूब कोई एक बहुत आसान सी चीज़ नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और वीडियो फ्लरिश हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम जैसी हाउसवाइफ जो हैं, जो कि बच्चों, घर, पति सबको को संभालने के बाद हमारा जो समय बचता है, या फिर इनफैक्ट यूँ कहें कि हमारे यूट्यूब भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटीज़ आती है। सारे काम करते वक्त भी हम ये सोचते हैं कि क्या अच्छा कंटेंट आपको दे सकते हैं। तो इस मेहनत को बहुत ज़्यादा देखिए, मैं खुद दूसरों की भी मेहनत की सराहना करती हूँ और मुझे लगता है कि आप भी मेरी मेहनत को इतना ही तवज्जो देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा मेहनत करता है और उसके थंबनेल को एग्जैक्टली कॉपी कर लिया जाए तो ये कहाँ तक सही है। अगर मान लीजिए कि मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही है या लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसमें मेरा टैलेंट होना चाहिए मेरे थंबनेल को एग्जैक्टली वैसा ही यूज़ करना और उसे एक शॉर्टकट की तरह यूज़ करना, ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं होता है। देखिए, मेहनत करना एक सबसे, देखिए शॉर्टकट तो कुछ होती ही नहीं है सक्सेस के लिए। आपको पूरे टाइम अपना डेडिकेशन देना पड़ता है, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे आपकी कोई भी प्रोफेशन हो। तो बेहतर यही है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दें कि आप किस तरह से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है कि हम लोग, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ है जो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौर से गुजर चुकी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एग्जैक्टली कॉपी करना, ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आपकी गर्भावस्था में आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके अलग हो सकते हैं, सबकी अलग अलग धारणा भी हो सकती है किसी चीज़ को लेके, या फिर अगर जो फैक्ट है, मान लीजिए कि प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक टर्म है, उसका क्या मीनिंग होता हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें सबको बता सकते हैं। लेकिन कुछ जो एक्सपीरियंस है या फिर कुछ नयापन है या फिर कुछ क्रिएटिविटी है, वो सारे चैनल में आपको अलग अलग ही दिखेगी। इसलिए यही होता है जिसकी वजह से एक चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, एक चैनल कम ग्रो होता है। सारे लोग वही सारी बातें करेंगे, लेकिन आप लोग ओपन माइंडेड जितने भी लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जस्टिफाई ज़रूर करेंगे कि किसी की मेहनत को प्लीज़ ऐसे जस्ट कॉपी मत करिए। ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर आप दूर तक की सक्सेस का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपनी ओरिजिनलिटी को मत भूलिए। मैं हर दिन ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने क्या नया लाऊं, क्या करूँ जिससे आपको एक्साइटमेंट लगे, कुछ इंटरटेनिंग लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे। कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और मैं हमेशा आपसे यही चाहती हूँ कि आप जो भी आपकी इच्छा हो, आप कमेंट ज़रूर करें कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, मैं क्या शो करूं आपके साथ, आप क्या देखना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग ऑडियंस हैं, वो मेरी जान है, मेरी बेस है। क्योंकि देखिए, विदाउट यू आई एम नथिंग। क्योंकि अगर जब तक आप लोग मुझे पसंद नहीं करेगा, तब तक मेरा कोई वजूद नहीं है यूट्यूब में। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप लोग की डिमांड को मैं फुलफ़िल करूँ। तो जिस तरह की वीडियोज़ आप मुझे डिमांड करते हैं, मैं डेफ़िनेटली कोशिश करती हूँ मैं उसी तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। तो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ही मेरा धर्म है और आप लोग मेरे लिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। मैं कुछ क्रिएटिविटी खुद भी लाना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ 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 जो भी यूट्यूबर्स अगर मेरे थंबनेल को कॉपी कर रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना खुद का कंटेंट लाइए। और देखिए, सक्सेस अगर दूर तक आपको जाना है ना, तो आपको अपना जो आप खुद हो, ओरिजिनल हो, जो वो उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दूर जाओगे। और होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पता नहीं अच्छा लगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको ज़रूर सपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, सपोर्ट करिएगा तो देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक ट्विन मॉम को। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा करूँ और डेफ़िनेटली मैं अच्छा करूँगी, मुझे विश्वास है आप लोग के ऊपर।
और ख़ुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। अभी इतने कम टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 बी ओरिजिनल। थैंक यू।